गोरखपुर से लखीमपुर तक जो हमारे लोकतंत्र ने जो सफर तय किया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन, उसका इकबाल जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ और सिर्फ कमजोर व्यक्ति पर चलता है। शक्तिशाली व्यक्ति के सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं, झुक जाते हैं, पूरा लोकतंत्र को झुका देते हैं। बड़े बड़े डायलॉग्स जिनको कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जब से मुख्यमंत्री बने हैं या थोपे गए हैं, जब से वो मुख्यमंत्री राज्य पर, तब से वो जिस तरह के हिंदी पिक्चरों के डायलॉग होते हैं उसके सहारे वो सोचते हैं कि सरकार चल रही है। सरकारें डायलॉग से, नारे से नहीं चलती। सरकार चलाने के लिए एक राजधर्म का निर्वाह करना पड़ता है। राजधर्म ऐसा शब्द है जिसे सुनकर गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री भी थोड़े कांप गए थे, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको राजधर्म का स्मरण दिलाया था। आज फिर वो घड़ी आ गई है जब न केवल आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपना राजधर्म याद करना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अपना राजधर्म याद करना चाहिए। और सरकारों का इकबाल कमजोरों को दबाकर नहीं स्थापित होता, सरकारों का इकबाल शक्तिशाली व्यक्ति को कानून के कटघरे में खड़े करके मजलूमों को न्याय दिलाने से स्थापित होता। पिछले 5-6 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है, सुना है गिरफ्तारी हुई है। कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा सरकारी वकील से कि क्या 302 के सभी आरोपियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। यह सवाल अपने आप में ऐतिहासिक है। यह ऐसा सवाल है, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय को यह सवाल पूछना पड़ जाए। और ऐसी स्थिति क्यों आई, इसका जवाब हम सबको ढूंढना होगा। जब जब बेबस इस पिछले 7 साल में पिटे इस हिंदुस्तान में, हम में से कुछ लोगों ने खड़े होकर मास्टर स्ट्रोक बताया, तालियां बजाई, वाहवाही दी साहेब को, ये आज जिस मोड़ पर हमारा लोकतंत्र खड़ा हुआ है, ये उसी का नतीजा है कि जब जब कमजोर आदमी पिटा गया, तालियां बटोरी गई। यह वक्त ऐसा है जब हमें आत्मचिंतन, हम मीडिया में हो तब भी करना चाहिए, विपक्ष में हो तब भी करना चाहिए, सरकार से उम्मीद नहीं है कि वो कोई आत्मचिंतन करे। ऐसी स्थिति कैसे पैदा हो जाती है कि गृह राज्य मंत्री आज भी गृह राज्य मंत्री के पद पर बरकरार है, और इतने दबाव के बाद प्रियंका गांधी, पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी पूरे दबाव डालने के बाद आपने उसको 6 घंटे की पूछताछ के लिए बुलाया, बड़ा सा सम्मान बुलाया, इज्जत देकर बुलाया, कहीं कोई दबाव नहीं, कहीं कोई प्रॉपर्टी उनकी बेच दी जाएगी, ऑक्शन कर दी जाएगी, जो जो डायलॉग आते थे हमने और आपने सबने सुने, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री को उस पद पर बने रहने का अधिकार किसने दिया, क्यों दिया, कब तक दिया।